चीन भले ही खुद पूरी दुनिया को अपना नकली और घटिया माल बड़ा चढ़ाकर महंगे दामों पर बेचता हो, फिर चाहे वो कोरोना काल में भी मास्क, पीपी किट्स और मेडिकल से जुड़े अन्य नकली और घटिया उपकरण क्यों ना हों, चीन ने इस भयंकर संकट के समय में भी पूरी दुनिया को अपने इन नकली और घटिया मेडिकल सामानों को सप्लाई किया। लेकिन चीन खुद के लिए सामान कितना थोक बजाकर खरीदता है और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के सामान को भी घटिया कहकर रिजेक्ट कर देता है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन दुनिया में चावलों का सबसे बड़ा आयातक देश है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। हालांकि इस सब के बावजूद वो भारत से चावल नहीं खरीदता और इसके लिए क्वालिटी को जिम्मेदार बता देता है। लेकिन इस बार उसकी ये हेकड़ी निकल गई है और उसने भारत से चावल खरीदने का फैसला किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में हुए लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन टूटने और चीन में आई भयंकर बाढ़ की वजह से चीन के पास अनाज की कमी हो गई है और लोगों का पेट भरने के लिए अब उसे भारत पर निर्भर होना पड़ गया है। ऐसे में देखा जाए तो 30 सालों में पहली बार चीन भारत से चावल आयात कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीवी कृष्ण राव ने बताया कि पहली बार चीन ने चावल खरीदा है और भारतीय अनाज की गुणवत्ता देखने के बाद वो अगले साल से खरीद बढ़ा सकता है। इंडस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय व्यापारियों ने दिसंबर फरवरी के बीच $300 प्रति टन कीमत पर 1,00,000 टन टूटे चावल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। बता दें, चीन सालाना करीब 40,00,000 टन चावल आयात करता है। चीन के परंपरागत सप्लायर्स थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनके पास इस बार निर्यात के लिए अधिक चावल नहीं हैं और भारत के मुकाबले $30 प्रति टन अधिक कीमत की मांग कर रहे हैं। इसलिए चीन इस बार भारत से चावल खरीदने को मजबूर हो गया है। हालांकि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन खुद तो पूरी दुनिया को सस्ते से सस्ता माल महंगा करके बेचता रहता है, लेकिन खुद बढ़िया से बढ़िया माल को भी सस्ते में खरीदना चाहता है।